गाइस यहाँ पर Redmi 9 एक्टिव के अंदर आप किस तरह से कॉल फॉरवर्डिंग करोगे, किस तरह से डीएक्टिवेट करोगे, एक मिनट के अंदर आपको समझा देंगे यार। पहले आपको जो डायल पैड है उसके अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप क्लिक करो। क्लिक करने का इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स, यहाँ पर आप क्लिक करो। उसके बाद आप जिसमें करना चाहते हो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल, वॉइस कॉल में आप क्लिक करो। क्लिक करने का यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड जो है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर पे आप कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हो उस नंबर का आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट से भी ले सकते हो यार, यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हो आपका जिस नंबर पे आप कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हो यार, यहाँ पर टाइपिंग कर दो। टाइपिंग करने पर इजीली तरीके से यहाँ पर टर्न ऑन देखने को मिल जाएगा, इसमें क्लिक करो। अपलोडिंग लेगा, उसके बाद वो कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। आपको कोई भी अभी कॉल करे तो इजीली तरीके से जिस नंबर को आप यहाँ पर इनपुट किए हो ना वहाँ पर आपका कॉल चला जाएगा। इसी तरीके से कॉल वहाँ पर चले जाते, इस तरीके से आप हो गया। अब आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो इस तरीके से, सेम तरीके से आने के बाद वहाँ पर आप क्लिक करो नंबर के। उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑफ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करो। इस तरह से अपलोडिंग लेगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। सेम तरीके से आप जिस तरीके से कर रहे हो सेम तरीके से एक्टिव डीएक्टिव दोनों ही कर सकते हो यार। फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं भाई किस तरीके से आप करोगे यार, पूरे हम दिखाते हैं भाई। पहले पूरा डिटेल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पहले सेटिंग्स, यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स, वॉइस कॉल, उसके बाद यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्डिंग में क्लिक करो, नंबर को इनपुट करो यहाँ पर, इधर के जो नंबर आपको चाहिए यहाँ पर इनपुट करो, टर्न ऑन जो है यहाँ पर आप टर्न ऑन ऑफ कैंसिल जो करना चाहते हो इधर से यहाँ से कर सकते हो यार।